क्या लाइफ में अक्सर पूरी मेहनत करके भी आपको वो हासिल नहीं होता जो आप चाहते हैं? क्या पैसा आपसे दूर भागता है? क्या अक्सर आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं जैसे, यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा नसीब ही खराब क्यों है? बात करते हुए अक्सर आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आप नहीं कहना चाहते। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। सेट योरसेल्फ फ्री विद सारा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगी एक ऐसे रिसोर्स के बारे में जो हमारी जिंदगी को डायरेक्शन दे रहा है, डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन, और वो दिखाई भी नहीं देता, यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, किसी भी एरिया पर काम करना चाहते हैं, अनवांटेड मेमोरीज को भूलना चाहते हैं, कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं, या हमेशा लाइफ में चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हैं, हो सकता है आप खुश रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आज बताऊंगी सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, क्या पावर्स हैं इसके, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए, हमारे माइंड की तीन लेयर्स हैं अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो। पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा अवेयर माइंड है जो हम इन द मोमेंट एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, आपके एनवायरमेंट में उसके साथ कुछ भी हो रहा है जो आप नोटिस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है। लेकिन साथ में कुछ चीजें एकदम एक्टिव नहीं है पर आपको फील हो रही है, जैसे कोई मेमोरी आपको अचानक आ रही है, कोई बात हुई है पास्ट में अचानक क्लिक कर रही है। अगर आप अभी आपसे कोई आके कहे कि खड़े हो जाओ या खाना खा लो, दरवाजा खोल दो, आप ये सब काम अचानक करने लगोगे। ये आपको सबकॉन्शियस माइंड करा रहा है जो पहले से ट्रेंड है, काफी काम एक साथ कर पाता है। ये वीडियो सुनते सुनते आप ड्राइव भी कर लेते हैं, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। ऑफिस में कलीग से बात करते करते आप कॉलेज लाइफ में पहुंच जाते हो, या फिर खुद को मैनेजर की चेयर में इमेजिन करने लगते हो फ्यूचर में, ये सब आपका सबकॉन्शियस माइंड कराता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारे ऑटोमेटिक एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, जरूरत पड़ने पर आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए इसे ट्रेन माइंड कहते हैं। फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड। ये आपका वो लेयर है जिसे आप एक्सेस नहीं कर पाते। इसमें ऐसी मेमोरीज हैं जो आप भूल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब हुए थे तो पहला शब्द क्या बोला था, कैसे चले थे आप, कौन लोग थे आसपास, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप जिससे आप फील कर चुके हैं, पास में हो चुके हैं, बट आप उसे याद नहीं रख पाते। क्या आप जानते हो कि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 3% एक्सरसाइज होता है, 97% आप सबकॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं। आप उठने से लेके अपने सोने की सारी एक्टिविटीज पे ध्यान दो, आपको यकीन हो जाएगा कि ज्यादातर काम आपका ट्रेंड माइंड कर रहा है। आप समझते हैं क्यों हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखना या एम्पावर करना जरूरी है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो, आपकी लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं है या आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इसका मतलब है आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्स होते हैं जैसे आपकी लैंग्वेज, आपके थॉट्स, आपकी सेल्फ टॉक, ये आपकी डेली लाइफ को चला रहे हैं और ये उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो इनमें स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर रोज खुद से कहते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये आपकी रियलिटी बन चुका है, आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर चुके हैं। दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊं तो, मान लीजिए कि आप कहीं भी टाइम पर नहीं पहुंचते और आपकी वाइफ हमेशा कहती है आप हमेशा लेट हो जाते हो, ये वर्ड सुनते सुनते आपने भी कहना स्टार्ट कर दिया, हाँ मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, तो फिर ये ना चाहते हुए भी आपकी रियलिटी बन चुकी है। वो कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है, तो जो संकल्प, जो शब्दों से संकल्प आप कर रहे हैं, वही आपकी रियलिटी बनते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा ध्यान पे, हमेशा इसको एक्टिवेट और हमेशा इसको एम्पावर रखना चाहिए। इसमें आपके लैंग्वेज, थॉट्स, बिलीफ स्टोर है और उनको हमेशा पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ये आपको ही नहीं, आपके आसपास वालों को भी इंपैक्ट करता है। जैसे जो थॉट्स आपने नेगेटिव दूसरों से लगातार बोले, वो उनके पीस को, उनके मेंटल प्रोग्राम्स को और आपसे बनने वाली वाइब्रेशन को भी इंपैक्ट करती हैं। ये मेंटल प्रोग्राम्स हमें हमारे एनवायरमेंट से भी मिलते हैं, स्पेशली बचपन में। तो अगर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह जीना चाहते हो, नेगेटिविटी से आजाद होना चाहते हो, कोई भी अनवांटेड मेमोरी को भूलना चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हो, स्ट्रेस या एंजाइटी से छुटकारा पाना चाहते हो, किसी तरह के फेयर या डर पे काबू पाना चाहते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जरूर प्रोग्राम या रीप्रोग्राम करें। कैसे करें? तीन आसान टिप्स हैं, इन्हें आप फॉलो करके कर सकते हैं। सबसे पहले, अपने अनवांटेड मेंटल प्रोग्राम्स का स्टॉक लें।
मतलब सारे थॉट्स, बिलीव्स, लैंग्वेज, सेल्फ टॉक को जो भी आपको सपोर्ट नहीं करते उनकी एक लिस्ट बना लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अक्सर अपनी सेल्फ टॉक में कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे पास पैसा टिकता क्यों नहीं है, तो आप इन स्टेटमेंट्स को लिखें। अगर आप कोई नेगेटिव स्टेटमेंट या बिलीफ किसी और के लिए भी यूज करते हो तो आप उसको भी नोट करो। फॉर एग्जाम्पल, लोग अक्सर मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा बेवकूफ बनाते हैं, माँ मुझे ज्यादा प्यार नहीं करती, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा बिकॉज ऑफ हिम और हर, ये सारे थॉट्स को आप लिख लें। इनमें अगर कोई पैटर्न है तो उसे जरूर नोटिस करें। जैसे क्या ये सब किसी एक दो व्यक्ति को लेकर है या ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में है, जैसे सक्सेस, पैसा, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, लव। फिर सेकंड आता है कि आप उन पर काम करें। दोस्तों, कभी भी सारे पैटर्न्स को एक साथ ठीक करने की कोशिश ना करें। एक एरिया डिसाइड करें जिसपे आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, दो एलिमेंट्स को डिसाइड करें। कम से कम 21 से 90 दिन लगते हैं आपको इस पे काम करने के लिए। तो सेकेंडली, उन थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलें। कोशिश करें प्रेजेंट टेंस में, जैसे मनी पे काम करना है तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि मैं मनी को अट्रैक्ट करता हूं या करती हूँ, मैं मनी मैनेजमेंट में निपुण हूँ। ऐसे थॉट्स को आप लिखें बार बार। और थर्ड, आप इन्हें डीपली एक्सरसाइज करें। जैसे इसमें दो तरीके आप यूज कर सकते हैं। पहला मिरर टेक्निक, जिसमें शीशे के आगे उठते ही सुबह या सोने से पहले दोनों टाइम आप 10-10 बार इन स्टेटमेंट्स को, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपने बनाए हैं, इन्हें बोलें। सेकेंड तरीका है विजुअलाइजेशन। इस प्रोसेस में आप खुद को विजुअलाइज करें उन एलिमेंट्स के साथ जो आपने फर्स्ट स्टेप में डिसाइड किए हैं। इसे पॉजिटिव इमेजरी क्रिएट करना भी कहते हैं। जैसे खुद को सक्सेसफुल पोजिशन में इंजॉय करते हुए देखें। ये प्रैक्टिस भी आप सुबह उठकर और रात को सोने से 10 मिनट पहले करें, ये बहुत इफेक्टिव है। जैसे अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक शांत जगह पर अपने आप को बैठा हुआ देखें, पीसफुल स्माइलिंग पोस्चर में देखें। आप एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन को साथ में भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम या रीप्रोग्राम करने की। दोस्तों, सबसे जरूरी है सबसे पहले कि आप ये एक्सेप्ट करें कि हमें बदलाव की जरूरत है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो बाकी सारे स्टेप्स, तीनों स्टेप्स आसान हो जाएंगे। तो बस इन बातों का ध्यान रखें। अपने आप से आप क्या कह रहे हैं इसका ध्यान सबसे ज्यादा रखें। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी पॉजिटिव और एम्पावरिंग प्रोग्राम्स दें बचपन से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हो सकता है कि किसी को इसकी बहुत जरूरत हो। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें, खुशहाल रहें, टेक केयर एंड सी यू सून।